हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर मैं आज आपके लिए ये उपाय लेकर के आई हूँ। आज आप इस उपाय को करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उसका भी गुस्सा शांत हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, आपको ये पांच बेलपत्र लेनी है। ये पांच बेलपत्र इस तरह से आपको लेनी है और बेलपत्र लेने के बाद आपको ये बेलपत्र का जो नीचे वाला ये जो भाग होता है ना, इसको ऐसे तोड़ लेना है। ये तोड़ के ये नीचे वाला एक भाग होता है, ये ऐसे इनको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इन पांचों डंडियों को आपको इकट्ठा कर लेना है इस तरह से। देखिए ये ऐसे पांचों डंडियों को आपको इकट्ठा कर लेना है। अब इन पांचों डंडियों को आपको इस तरह से, देखिए ये आपकी पांचों डंडियाँ इकट्ठा हो गई। ये ऐसे पांचों डंडियों को आपको इकट्ठा कर लेना है। अब आपको इन पांचों डंडियों को लेकर चले जाना है मंदिर, और मंदिर में जा कर के जो मंदिर में जाना है और आपको जो शिवलिंग का ये वाला भाग होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं अशोक सुंदरी का भाग। अशोक सुंदरी के भाग में ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, आप देख रहे होंगे ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस पर आपको ऐसे पाँचों डंडियों को ऐसे रख देना है। देखिए जैसे मैं रख रही हूँ इस तरीके से आपको पाँचों डंडियों को ऐसे रख देना है। रखने के बाद देखिए ऐसे रखना है, छोटा शिवलिंग है इसलिए इसमें रख नहीं पा रहा है, हमारे घर का ही शिवलिंग है ये, तो इसमें ऐसे आपको रखना है। देखिए मैं आपको फिर से रख के दिखाती हूँ, ये ऐसे पांचों डंडियों को आपको ऐसे यहाँ पर ऐसे रख देना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक तांबे के पात्र में जल, और उस जल को शिवलिंग में समर्पित करना है। और जब आप ये डंडियाँ रखेंगे ना, तो आप हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। हाटकेश्वर महादेव हट को हरने वाले हाटकेश्वर महादेव। तो अब आपको क्या करना है, ये जल शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है, और समर्पित करते हुए उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा या क्रोध आता है। अगर आपको खुद आता है तो आप अपना नाम ले सकते हैं, अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो आप उसका नाम ले सकते हैं। और श्री शिवाय नमस्ते भ्रम बोलते हुए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, अपना नाम लेते हुए आपको ये शिवलिंग का जल इस पर समर्पित ऐसे करना है। और करने के बाद होगा क्या कि जब आप जब ये शिवलिंग का जल इस पर नीचे आएगा, तो ये जो डंडियां हैं ये नीचे की तरफ ऐसे गिर जाएंगी। नीचे की तरफ डंडियाँ जब गिर जाएंगी तो आपको इनको ले लेना है, और लेने के बाद घर पर लेके आ जाना है। घर पे लेने के आने के बाद आपको करना ये है कि डंडियों को, जो आपकी गिरी हुई डंडियां हैं, उन डंडियों को क्या करना है कि आपको पीस लेना है। पीसने के बाद आप उसको जल में या फिर किसी भी खाने में मिलाकर खुद भी ले सकते हैं और उस व्यक्ति को भी दे सकते हैं। बस आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम और अपना नाम ज़रूर लेना है, इस बात का आप तो आप इस उपाय को ज़रूर करें और अपने गुस्से को शांत करें। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।